भदोही जिले के चौरी थाना इलाके के कुल्हड़ मोमिनपुर गांव में बुधवार की आधी रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। साइबर कैफे और किराने की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी है। आग लगने से दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। दुकानदार को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं चौरी थाना इलाके के कुल्हड़ मोमिनपुर गांव में आग का तांडव देखने को मिला है। दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि बुधवार की आधी रात कुल्हड़ मोमिनपुर गांव में शॉर्ट सर्किट से सहज जनसेवा केंद्र और किराने की दुकान में भीषण आग लग गई। जब तक लोग आग पर काबू पाते तब तक दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया था। पीड़ित दुकानदार शाह मोहम्मद उर्फ सोनू के मुताबिक बुधवार की आधी रात करीब 11 बजे आग की लपटें दिखाई पड़ी। आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी तभी आग में जलकर सब कुछ राख हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से साइबर कैफे और किराने की दुकान में भीषण आग लगी है। पीड़ित दुकानदार शाह मोहम्मद उर्फ सोनू के मुताबिक अग्निकांड में दुकान में मौजूद 24,000 रुपए नगद सहित 2,00,000 रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। इस घटना से दुकानदार को भारी नुकसान हुआ है। गुरुवार की सुबह घटना की जानकारी होने पर घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। हमारा कंप्यूटर सिस्टम था, 3 प्रिंटर है, लेमिनेशन मशीन है, डेस्कटॉप है, पंखा है, काउंटर है, यूपीएस है, ये सब लगभग, और किराना का सामान है, ये सब लगभग 2,00,000 के लगभग, और हमारा कैश काउंटर कैश और निकासी वासी लेन देन कैश रखे थे कुछ रात में, लगभग 24,000 रुपये तक कैश था। अच्छा, 24,000 कैश है, इसके अलावा 2,00,000 से अधिक का सामान चला है। लगभग 3,00,000 माना जा सकता है लगभग, ने सब मिला के किराना का भी सब मिला। ठीक। भदोही जिले के औराई थाने की पुलिस ने पुरस्कार घोषित 25,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार इनामी बदमाश अंतरराज्यीय गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का सरगना है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ भदोही और मिर्जापुर जिले में चोरी, जालसाजी, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को औराई के माधव सिंह रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं औराई पुलिस के हत्थे इनामी बदमाश चढ़ गया है। पुलिस ने 25,000 रुपए के गैंगस्टर इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार इनामी बदमाश सौरभ चौबे पुत्र वीरेंद्र चौबे निवासी सेउर थाना औराई जनपद भदोही का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार गैंगस्टर बदमाश अंतरराज्यीय गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का सरगना है। पिछले दिनों पुलिस ने इसी गैंग के 4 गांजा तस्करों को लाखों रुपए के गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आज फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश गैंगस्टर अभियुक्त सौरभ चौबे निवासी सेउर को माधव सिंह रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में औराई थाने पर तैनात उप निरीक्षक राम ध्यान यादव, उप निरीक्षक सुशील त्रिपाठी, कांस्टेबल गोपाल, कांस्टेबल पंकज शामिल रहे। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक सफलता अर्जित की है और वर्ष 2022 से गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत वांटेड चल रहे अपराधी सौरभ चौबे को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। सौरभ चौबे के विरुद्ध एनडीपीएस गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट के लगभग 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत है। इसका आपराधिक इतिहास है और इसे आज और आई क्षेत्र से गिरफ्तार करने में सफलता मिली। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।